हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 23 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ताजमहल बिल्ट इन विच ईयर। तो देखिए, ये 17वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ये क्वेश्चन आया। और देखिए, अभी ओपेंड कब हुआ था, 1648 में। मुगल आर्किटेक्चर इसके बिल्ट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसको बनाया क्या था, कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा, ये दोनों मिलकर बनाए थे। और ये 28 मार्बल से मिलकर ताजमहल को बनाया गया है। वर्ल्ड के 7 बेस्ट में से ये भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड। 1876 में टेलीफोन इन्वेंटेड हुआ था, यही था, और ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। द ग्रांड कैनाल चाइना। तो देखिए, ये जो कैनाल है यही ग्रांड कैनाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रानी का वाव डेडिकेटेड टू, रानी का वाव, देखिए एक गुजरात में एक कुआं है, ये किसके लिए डेडिकेटेड हुआ है, तो ये भीम देव वन के लिए डेडिकेटेड हुआ है। देख लीजिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रानी की वाव इज एन इंटरेक्टिवली कंस्ट्रक्टेड स्टेप वेल सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ गुजरात। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में। इंडियन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, ये कौन से नदी पर स्थित है, तो सरस्वती नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी पर, रानी का वाव किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर। रानी का वाव बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ 11th सेंचुरी, कब बना था, 11th सेंचुरी में, भीमदेव वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमदेव वन। और देखिए, ये आया किस लिए, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच हैज द हाईएस्ट अटोमिक नंबर देन बेरियम 56। तो 56 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बेरियम है। और आंसर में चार ऑप्शन दिया होगा, तो जिसमें गोल्ड जो है, गोल्ड जो है इससे ज़्यादा पर है। देखिए, इसका 56 है, इसका 79, सिल्वर होगा, और चार ऑप्शन होगा। तो आपको पीरियडिक टेबल इसमें पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर आगे कौन पीछे है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सीट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का सीट, यही क्वेश्चन आया है, 3 है। उसी तरह आप देख लीजिए कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑब्जर्व द कैल्शियम। तो कैल्शियम देखिए हड्डी के लिए होता है, तो ये विटामिन डी होगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए विटामिन डी का जरूरत होता है, और विटामिन डी कहाँ मिलता है, तो सनलाइट में और फिश ऑयल में। कॉकरोच बिलोंग टू विच फाइलम, ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट 2016 का। अर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। खालसा आर्मी फाउंडेड बाई, देखिए खालसा आर्मी जो है वो रंजीत सिंह 1799 में फॉर्म किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अवार्ड करीना कपूर रिसीव फॉर जब भी मेट। तो जब भी मेट के लिए 2008 में ये मूवी आया था, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। प्रेसिडेंट टेक ओथ अंडर, देखिए प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर लेते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एबसेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज है उसके अंडर में लिया जाता है। देखिए, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इज द डायमीटर। देखिए, तो ये क्या लिखा है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर का ए ही हो जाएगा और मीटर का एल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए एल पर पावर माइनस टू, ये होगा इसका यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ OS पूछा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आसान सा क्वेश्चन था। विच वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पॉलिनेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो पॉलिनेशन होता है किस पार्ट प्लांट में होता है, ठीक है, तो ये आप लोग देख, स्टेपल में होता है या फिर ओव्यूल में होता है या फिर लीव्स में होता है, तो ये ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है। इस क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जेंटलमैन गेम। तो देखिए, जेंटलमैन गेम गोल्फ को बोला जाता है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द नीति निर्देशक तत्व, ये क्या क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए ताकि दूसरे को भी मदद मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।